अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाले अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के प्रमुख प्रवीण तोगड़िया ने मुसलमानों को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हम भारत में मुसलमानों की संख्या बढ़ने नहीं देंगे। दरअसल हिंदू परिषद के प्रमुख प्रवीण तोगड़िया ने नर्मदापुरम प्रवास पर पहुंचे थे। यहां बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने जनसंख्या स्थिरीकरण कानून को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम भारत में मुसलमानों की संख्या बढ़ने नहीं देंगे। कानून बनने के बाद दो से ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले मुसलमानों को सरकारी राशन, स्कूल, हॉस्पिटल में मुफ्त में सेवा, बैंकों से लोन और सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। फिर भी ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं तो 10 साल के लिए जेल में डाल देंगे। वहीं उन्होंने हिंदुओं को लेकर कहा कि सरकार पर हिंदुओं को कंट्रोल करवाएंगे, संविधान में संशोधन करेंगे कि देश में प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर, कलेक्टर, SP, जज देश में हिंदू के अलावा किसी को बनने नहीं देंगे। हम भारत में मुसलमानों की संख्या बढ़ने नहीं देंगे। कानून बनने के बाद दो से ज्यादा बच्चे पैदा करे वो मुसलमान को सरकारी अन्न नहीं, सरकारी स्कूल हॉस्पिटल में मुफ्त में सेवा नहीं, बैंकों से लोन नहीं, सरकारी नौकरी नहीं, और फिर भी बच्चा पैदा करते तो 10 साल के लिए जेल में डाल देंगे। दूसरा, सरकार पर हिंदुओं का कंट्रोल करवाएंगे। कैसे?